नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ARG ब्रिक्स के एक नए वीडियो में। मैं हूं मुकेश चौधरी और आज आपको एक गेटेड कॉलोनी के विलाज के बारे में मैं आपको वीडियो यहां पर दिखाने वाला हूं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बने हुए, एक बार दिखा दीजिए। यहां पे लगभग 25 विला यहां पे बने हुए, एक बार पूरा कॉलोनी का एक बार लुक दिखा दीजिए। साथ ही साथ एक बार इधर डेवलपमेंट की भी एक बार दिखा दीजिए चारों तरफ से। हम खड़े हैं यहाँ पे अंसल सिटी फर्स्ट के अंदर। यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं इधर सामने की तरफ पानी की टंकी बनी हुई है। आसपास में अगर मैं स्कूल्स वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पे MPS जैसे स्कूल आपको मिल जाएगी, स्पिन डील्स जैसे स्कूल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर मार्केट की बात करूँ तो लगभग 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको यहाँ पे हॉस्पिटल, मार्केट, स्कूल सब फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ मैन कालवा रोड से, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर मैन कालवा रोड से आपको ये मिल जाएगा अंसल सिटी फर्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे अपन टूर यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे विला की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ में वीडियो को भी लाइक कीजिए और बेल आइकन जो दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, क्योंकि हम ऐसे ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। आप हमें रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर सस्ती प्रॉपर्टीज़ दिखाइए, तो हम लोग अभी सस्ती प्रॉपर्टीज़ आपको दिखा रहे हैं। डे बाई डे सस्ती प्रॉपर्टीज़ आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 72 स्क्वायर यार्ड में ये बना हुआ है, JD अप्रूव्ड ये है। यहाँ पे आपको बाइक वगैरह की पार्किंग के लिए अच्छा स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ साथ में यहाँ पे वाटर टैंक की यहाँ फैसिलिटी दी गई है, लगभग 5 से 6 हज़ार लीटर वाटर आप इसमें आराम से यहीं भर सकते हैं। अगर यहाँ बात करूँ तो मैं स्टेज जो है वो बाहर से आपको यहाँ पे दी गई है, जो कि सेपरेटली बाहर की तरफ आप अगर रेंट आउट भी कर सकते हैं इसको सेपरेटली। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी सीनरी का लुक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसमें लॉर्ड गणेश की यहाँ बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर जैसे एंट्री अपने यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे आपको डाइनिंग ड्राइंग का स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि साइज़ के हिसाब से बहुत अच्छा खूबसूरत स्पेस यहाँ पे निकाला गया है। इधर की तरफ बात करूँ मैं तो यहाँ पे आपको वॉल पेंटिंग यहाँ पे दिखाई देगी, जो कि बहुत ही अच्छी वॉल पेंटिंग यहाँ पे दी गई है। ऊपर की तरफ भी एक बार फुल सीलिंग का नज़ारा एक बार दिखा दीजिए कैमरामैन जी। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टाइल्स का जो लुक है बहुत ही ज़बरदस्त, 2x2 की यहाँ पे टाइल्स दी गई है, जिसका लुक की अगर बात करूँ तो बहुत ही अच्छा लुक यहाँ पे दिया गया है। फिर इधर की तरफ दिखा दीजिए, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे सिंक लगाया गया है, जो कि बिल्कुल कोने में यहाँ टाइल्स लगा के बहुत अच्छा लुक इसका यहाँ पे बनाया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सामने की तरफ यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाता है। रूम की अगर बात करूँ तो गेस्ट रूम की तरफ यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। रूम की साइज़ की बात करूँ तो लगभग 10x10 के अंदर रूम की साइज़ यहाँ पे दी गई है, जो कि बहुत अच्छी साइज़ मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। इधर की तरफ बात करूँ तो यहाँ पे वॉल पेंटिंग का काम किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा लुक इसका यहाँ पे निकाल के देने वाला है। ऊपर की तरफ भी एक बार फॉल सीलिंग का नज़ारा एक बार दिखा दीजिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं इधर की तरफ तो यहाँ पे आपको एक स्पेस मिल जाता है। सबसे पहले मैं इधर एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे आपको कॉमन वॉशरूम का लुक देखने को मिल जाता है, जो साइज़ की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा साइज़ इसका दिया गया है। साथ साथ में टाइल्स वगैरह का वर्क भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया गया है। वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर यहाँ पे ध्यान इसका रखा गया है। इधर की तरफ दिखा दीजिए एक बार फिर कैमरामैन जी, यहाँ पे आपको किचन का स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। किचन के स्पेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एल शेप में यहाँ पे आपको किचन देखने को मिलेगा। यहाँ पे मार्बल का यहाँ पे काम किया गया है, टोपिया मार्बल का दिया गया, साथ साथ में यहाँ पे टाइल्स वगैरह का भी वर्क यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इधर देखते हैं तो यहाँ पे वुडन का यहाँ पे आपको कवर्स देखने को मिल जाती है। सामने की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि वेंटिलेशन प्रॉपर होता रहे, आपको सफोकेशन बिल्कुल भी ना, जब आप खाना बना रहे हो उस टाइम पे। फिर देखते हैं अपन इधर की तरफ एक रूम बना हुआ है। इस रूम की साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो वही लगभग 10x10 के आसपास की साइज़ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। इसमें थोड़ा अगर देखें वॉल पेंटिंग का काम थोड़ा डिफरेंट है, वॉल पेंटिंग का काम आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक विंडो देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ यूटिलिटी एरिया के लिए बिल्कुल छोड़ी गई ऊपर तक, जो वेंटिलेशन बना रहे आपको सनलाइट प्रॉपर यहाँ पे मिलती रहे। एक बार फुल सीलिंग का नज़ारा भी एक बार दिखा दीजिए। फिर इधर की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको कबर्ड्स का स्पेस देखने को मिल जाता है, जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ में आपको यहाँ पे कबर्ड्स दी गई है। तो जैसे हमने देखा नीचे की तरफ 2 बेडरूम बने हुए थे, डाइनिंग ड्राइंग एरिया के लिए यहाँ पे जगह दी गई है, आपको वॉशरूम देखने को मिल जाता है, साथ साथ में किचन का स्पेस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो अपन देखते हैं एक बार ऊपर की तरफ चलते हैं, वहाँ पे जैसे बने हुए तो यहाँ पे स्टेयर्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको ग्रेनाइट यहाँ पे मिल जाता है, साथ साथ में स्टेनलेस स्टील की यहाँ पे आपको रेलिंग भी यहाँ पे दिखाई देने वाली है। इधर सामने की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा एक ग्लास लगा के बहुत अच्छा खूबसूरत डिजाइन इसकी यहाँ पे दी गई है। फिर हम देखते हैं ऊपर की तरफ, एक यहाँ पे बेडरूम यहाँ पे दिया गया ऊपर की तरफ। बेडरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो लगभग वही 10x10 के आसपास की साइज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इधर की तरफ बात करूँ तो वॉल पेंटिंग का थोड़ा डिफरेंट काम यहाँ पे किया गया है, जो कि बहुत ही डिसेंट और खूबसूरत लुक यहाँ पे आपको देने वाला है। फुल सीलिंग का नज़ारा एक बार दिखा दीजिए। फिर देखते हैं इधर की तरफ,
तो यहाँ पे आपको एक बालकनी का स्पेस देखने को मिल जाता है जो कि अच्छा स्पेस यहाँ पे दिया गया है। साथ साथ में यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्टील लगा के यहाँ पे टफन ग्लास आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो यहाँ से ऊपर से एक बार नज़ारा दिखा दीजिए सामने की तरफ एक बार पहले कॉलोनी का। फिर मैं एक बार पीछे की तरफ से भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जो डेवलपिंग है वो। एक बार आइए कैमरामैन जी एक बार इधर के पीछे की तरफ से भी यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं। तो एक बार पहले ये वॉशरूम का एक बार लुक दिखा दीजिए। ऊपर की तरफ एक वॉशरूम दिया गया है। वॉशरूम की साइज़ की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा साइज यहाँ पे निकाला गया है। साथ साथ में अगर मैं बात करूँ टाइल्स वगैरह के वर्क की तो वो भी बहुत अच्छा यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको सिंक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर बात करें तो यहाँ पे आपको ओपन रूफ यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप चाहें तो इसमें भी एक रूम यहाँ पे आप डेवलप कर सकते हैं। इधर की तरफ से देखते हैं तो अभी यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ मिल जाती जो कि आपको अपनी छत पे यहाँ पे लेके जाने वाली है। एक बार इधर भी पूरा हाईलाइट कर दीजिए। बहुत ही अच्छा अच्छा यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे काम चल रहा है। बहुत ही अच्छा मकान यहाँ पे बन रहा है अभी और पूरी डेवलपिंग फेज़ में है। पीछे की तरफ भी जैसे देख पा रहे हैं इधर की तरफ भी बहुत अच्छे यहाँ पे काम चल रहे हैं। पानी की टंकी की बात को एक पानी की टंकी आपको इधर की तरफ देखने को मिल जाती है। दूसरी पानी की टंकी भी इधर की तरफ यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दूसरी पानी की टंकी का भी। तो यहाँ पे ना पानी की आपको कोई दिक्कत होने वाली है ना आपको सीवरेज की कोई यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। साथ साथ में यहाँ पे अपन प्राइस की साइज़ की इनकी बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया आपको कि 72 स्क्वायर यार्ड में यहाँ पे ये बनाए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दो प्रकार के यहाँ पे विला बने हुए हैं। एक 3 BHK बना हुआ है एक 4 BHK बना हुआ है। 3 BHK की अगर मैं रेट की बात करूँ तो 25,51,000 रुपये यहाँ पे रेट रखी गई है। अगर मैं यहाँ पे 4 BHK की बात करूँ तो 29,51,000 रुपये यहाँ पे 4 BHK की रखी गई है। ZD अप्रूव्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है अंसल सिटी के पास में। जैसे लोकेशन मैंने आपको पहले ब्रीफी कर दी कि कालवाड़ रोड से ज़्यादा दूर नहीं है ये, बिल्कुल आपको कालवाड़ रोड से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर में अंसल सिटी फर्स्ट जो कि बहुत ही डेवलपिंग और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे कॉलोनी ये बन रही है और डेवलपिंग फेज़ में है। काफ़ी डेवलपमेंट भी यहाँ पे दिया गया है। साथ साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो अंदर आप जैसे एंटर करते तो यहाँ पे बहुत अच्छे यहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो लोकेशंस का बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथ साथ में मैंने जैसे बताया कि प्राइस का भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छा एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मैंने चारों तरफ से आपको लोकेशन जैसे बता दी। अगर मैं विला की बात करूँ तो ये जो अपन ने देखा है 3 बेडरूम का विला है। इसकी प्राइस जैसे मैंने बताई 25,51,000 रुपये यहाँ पे प्राइस रखी गई है। साथ साथ में बाकी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा। हमारे सलाहकार के नंबर भी आपको वहाँ दे दूंगा। लोकेशन के बारे में भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। साथ साथ हमारे आप दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टीज हम आपको दिखाते रहते हैं। दूसरे चैनल का नाम है किंग्सवे ग्रुप जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर भी जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर दबा सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।